स्विगी एडवांस रेज ए बिलियन डॉलर्स, वी हैड ऑलमोस्ट नथिंग इन आवर बैंक एट दैट। क्विट करने का मन तो हर दो तीन हफ्ते में करता है। माइंडसेट इज एवरीथिंग, करेक्ट। एंड डजंट मैटर एक की आपका एक्सपीरियंस 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, फर्क नहीं पड़ता। जेंजीज को हायर करता हूँ, बिल्कुल। आई थिंक गुड मार्केटिंग इज गुड मार्केटिंग एंड बैड मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग। 2015-13-14 में हमने ना इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत कर ली थी। उस वक्त आई वॉज लाइक यार इंडिया इज स्मॉल। कभी कुछ ऐसे फेजेस आए थे जहां आपको लगा था कि यार यू वांट टू गिव अप, और जहां आपको बहुत लो फील हो रहा था? काफी फेजेस आते हैं। ओके, सबसे लो कब फील हुआ? बहुत बार यार, मतलब क्विट करने का मन तो हर 2-3 हफ्ते में करता है। अभी भी करता है। लोग कहते हैं कि पीपल डोंट नो दैट Zomato हैड ऑलमोस्ट गॉन ब्रोक मल्टीपल टाइम्स, एंड एवरी टाइम ही इज गॉन आउट देन ब्रॉट मनी बैक और मेड इट अनब्रोक। मैं एक्चुअली उन फेजेस के बारे में जानना चाहूंगा, बोथ एज अ ह्यूमन बीइंग क्या हो रहा था, कंपनी में क्या हुआ, और फिर एज अ ह्यूमन बीइंग आपने सॉल्व क्या किया और कंपनी में सॉल्व क्या किया। लेट्स से हमारे पास 4 महीने के पैसे बचे हैं जी, ठीक है, और हमारा राउंड ऑफ करते हैं $10 million पड़े हैं 4 महीने के पैसे। बर्न रेट काफ़ी होता था हमारा उस टाइम पर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यार नेक्स्ट मंथ जब ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ भी मेरे पास 4 महीने के पैसे बचे होने चाहिए, करेक्ट। तो फिर हम बर्न रेट को उतना कम करते थे। अब नेक्स्ट मंथ ये वाले महीने में हो गए 2.5 million खर्च, 7.5 बचे, तो नेक्स्ट मंथ का बर्न रेट less than 2 होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वी ऑलवेज यूज टू कीप 4 महीने का पैसा इन द बैंक। तो बस अगर 4 महीने के पैसे पड़े रहेंगे तुम्हारे पास हमेशा, तो इनफाइनाइट लाइफ स्पैन आ गया एक तरह से। मुश्किल जो नहीं रही है, फन जो नहीं रही है। मुश्किल इज फन, पेन इज प्लेजर। यस, BDSM ऑफ बिजनेस, बिजनेस BDSM। इट्स लाइक द जिम मैन, ओके, पेन इज फन। स्केल मिला है कल्चर की वजह से अकॉर्डिंग टू यू, या अलग अलग फैक्टर्स होते हैं? I think सिर्फ कल्चर, primarily कल्चर। After a certain point at least. No, I think from the start. Okay. Do you want to elaborate little bit more on culture? Specifically, क्या self growth मतलब क्या एक इंसान के लिए Zomato में? मतलब यार I believe कि mindset is everything. Correct. And doesn't matter एक की आपका एक्सपीरियंस 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम यूनिक कोई भी आपके सामने आ रही है, तो अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज भी हो, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एज वेल एज समबडी जो कि 20 साल से सेम चीज कर रहा है, प्रॉब्ली बेटर देन जो 20 साल से कर रहा है, बिकॉज बैगेज नहीं है आपके पास, लाइक, करेक्ट। सो इट्स अबाउट कि अनलर्निंग कैसे करते रहो अपने दिमाग की सारी, और लाइक हाउ डू यू ब्रिंग फ्रेशनेस एंड डिटर्मिनेशन टू व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो दैट्स अबाउट इट। जेंजीज को हायर करता हूँ, बिल्कुल। कुछ सीखा है जेंजीज के बारे में? इज इट वेरी डिफरेंट देन वर्किंग विद ओल्डर पीपल? यार जेंजीज आर वे स्मार्टर देन व्हाट वी वर व्हेन वी वर दैट एज। एंड आई थिंक पोटेंशियल इज ह्यूज, बट लेस पेशेंस देन व्हाट वी यूज्ड टू हैव एट दैट एज। एंड पेशेंस इज अ वर्चू व्हिच इज रिक्वायर्ड एट वर्क। व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम? व्हाट एम आई रनिंग अवे फ्रॉम? स्लेवरी, फ्रीडम चाहिए होता है। द रीजन व्हाई यू डू दिस इज फ्रीडम, करेक्ट, लाइक वेरियस फॉर्म्स ऑफ इट। एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कभी नहीं मिलता, कुछ भी कर लो आप, ओके, नो चांस, ओके, इन दिस वर्ल्ड एब्सोल्यूट फ्रीडम है नहीं, बट कुछ कुछ तरह के फ्रीडम्स एक्स्ट्रा मिल जाए तो इट्स नाइस। ONDC बेसिकली इन अ वे गवर्नमेंट का Zomato है, लाइक दैट्स द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। तो अभी अब तक आप स्विगी के साथ स्मैकडाउन वर्सेस रॉ कर रहे थे, अभी ECW आ गया, टेंशन है? नहीं, कैसे डील करोगे? ONDC है क्या? इज इट इवन अ प्रॉब्लम फॉर यू एक्चुअली? आई डोंट नो, टू अर्ली टू से। टू अर्ली टू से इज आल्सो अ रिस्की थिंग टू से, बिकॉज देन यू कैन बी लेजी अबाउट इट एंड स्टॉप वॉचिंग इट। सो आई डोंट नो, देखेंगे यार, जब वो प्रॉब्लम रियल बनेगी, तब हफ्ते भर का टाइमलाइन लेके, एम्बिशियस गोल लेके, गन टू योर हेड, यू सॉल्व इट। यही मेंटालिटी है कि अगर असली प्रॉब्लम बन गई तो देन सॉल्व इट। ओके, स्विगी असली प्रॉब्लम बनी थी? स्विगी हैज फॉरएवर बीन एन असली प्रॉब्लम फॉर अस, बट स्विगी हैड वंस रेज्ड अ बिलियन डॉलर्स, वी हैड ऑलमोस्ट नथिंग इन आवर बैंक एट दैट टाइम। बट वहां से आप आगे कैसे गए?
हमने अपना यूएई का बिजनेस बेचा, $170 million वहाँ से आ गए, फिर धीरे 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 फाइट मारते रहे, मेहनत करते रहे, एंड अगेन सेम वाली अप्रोच, इतने ही पैसे हैं, यहाँ तक पहुँचना है, इतना टाइम है, गन टू योर हेड, सॉल्व इट. ओके, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू हैव दैट डेज लेवल ब्लूप्रिंट, कि ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, गन टू द हेड. आई थिंक डिटर्मिनेशन वाला माइंडसेट कि यार करना तो है, अब यही है सॉल्व करने को, कुछ और तो है नहीं. इधर यू कैन स्टार्ट ब्लेमिंग कि अच्छा अगर मेरे पास ये होगा मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा, बट नहीं है, नहीं है पैसे, क्या करोगे, राइट? कुछ कर सकते हो? पैसे आप लाओगे? नहीं लाओगे तो फिर सॉल्व कर लो. नहीं सॉल्व करना अगर आपने तो आप बाहर जाओ, कोई और सॉल्व कर लेगा. ये न्यूज़ में जब भी जोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स की स्टोरीज निकल के आती है, समवन हैज हैड अ बैड इंटरेक्शन विद अ कस्टमर, समवन बिकम्स अ बिग इंस्टाग्रामर, जोमैटो को मार्केटिंग मिल रही है वहां से. आई डोंट थिंक इट लाइक थिंक ऑफ इट लाइक दैट. सो क्यों पीपल से कि ऑल मार्केटिंग इज गुड मार्केटिंग, आई डोंट बिलीव दैट. आई थिंक गुड मार्केटिंग इज गुड मार्केटिंग एंड बैड मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग. जो लोग कहते हैं कि ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, आई डोंट बिलीव दैट. रियली? बताओ. मतलब आई थिंक कर्मा इज कर्मा. सो अगर आप मतलब खराब हरकतें करके अगर आप मार्केटिंग लोगे तो इट विल कैच अप. सो आई मीन इट, मार्केटिंग शुड लीव अ गुड टेस्ट इन पीपल्स माउथ एट स्केल. वो ₹1-2 के कोर प्रॉफिट में से आप प्रॉफिटेबल कैसे बने हो? ये ₹1-2 बनने लग गए तो प्रॉफिटेबल हो गए. रियली? क्योंकि स्केल इतना बड़ा है, ऑर्डर्स इतने ज्यादा. पहले अगर कॉस्ट वाज मोर देन रेवेन्यू, जैसे ये बैलेंस टिप हुआ तो प्रॉफिटेबल हो गया. ओके, यही होती है लॉन्ग टर्म वीसी मनी की गेम, लाइक टेकिंग वीसी मनी. वीसी मनी पता नहीं मुझे. देखो हमारे जैसे बिजनेसेस की ना फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो काफी हैवी होती है. जी, फिक्स्ड कॉस्ट इज जो इंजीनियरिंग टीम की कॉस्ट, सारा प्रोडक्ट मैनेजर्स, सारा ऑप्स टीम्स, ब्ला 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 ब्ला. अब ये फिक्स्ड कॉस्ट की टीम, फिक्स्ड टीम की कॉस्ट विल बी द सेम चाहे मेरा बिजनेस 1/3 साइज का हो, चाहे मेरा बिजनेस अभी 10x साइज का हो जाए, ये तो सेम ही रहनी है. ठीक है, तो अब मैं कॉस्ट पर ऑर्डर देखूं इस टीम की, तो वो जब मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए तो कॉस्ट पर ऑर्डर गिर जाएगी इस टीम की, और ये हैवी कॉस्ट है, इजी नहीं है. तो अगर मैं 10x स्केल हो गया तो मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर कम हो गया, तो अगर मैं कुछ ना और हिलाऊं, रेवेन्यू भी सेम रहे और मेरा बाकी सब कॉस्ट सेम रहे, और मैं स्केल कर जाऊं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी. व्हिच इज व्हाई वी एक्सपेंडिंग इनटू मोर कंट्रीज वगैरह. वी आर नॉट एक्सपेंडिंग इनटू मोर कंट्रीज, वी आर इंडिया ओनली बिजनेस. पर आपने परचेज किए हैं बिजनेसेस? पहले किए थे, सब बंद हो गए कोविड में. ओके, हाउ डिड दैट फील? बैड. बैड. कैसे डील करते हो? कितना पैसा खर्च किया है उन पे? दैट्स द मेंटल हेल्थ. हो गया ना अभी, मतलब कांट लुक बैक. संक कॉस्ट. चैलेंज क्या है जोमैटो का? आई थिंक ग्रोथ एंड प्रॉफिट, और दैट्स एक्सटर्नल एक तरह से, और इंटरनली टीम क्वालिटी पे फोकस करते हैं हम, और आई थिंक वो दैट्स माय बिग एरिया ऑफ वर्क नाउ. एचआर करता हूँ मैं आजकल ज़्यादा. क्योंकि जिस स्केल पे आप काम कर रहे हो, यू नीड टू केयर अबाउट कल्चर मच मोर देन. आई मीन एज आई सेड, राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस अगर हैं और वो राइट प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं तो वी आर सॉर्टेड, राइट? सो आई हैव टू मेक श्योर कि वी आर द राइट पीपल एंड दे आर बीइंग ट्रेन्ड वेल एंड दे आर बीइंग कोच्ड वेल. सो दैट्स अबाउट इट. आपके 3-4 बड़े मिस्टेक्स के बारे में बताइए, शॉर्ट में, नॉट स्पेसिफिक्स, जस्ट जनरली लर्निंग्स फ्रॉम दोज मिस्टेक्स यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए. आई थिंक वन बिग थिंग है मेरे पास, 3-4 तो पता नहीं. 2015-13-14 में हमने ना इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत कर ली थी. उस वक्त आई वॉज लाइक यार इंडिया इज स्मॉल, इंडिया में मार्केट साइज नहीं है, इंटरनेशनल जाते हैं, शुड हैव फोकस्ड ऑन इंडिया, स्टेड इन इंडिया, चिल मारना चाहिए था. पावर फोकस. हाँ, यहाँ लर्निंग पावर फोकस है या लर्निंग है कि इंडिया पर फोकस करो? इंडिया पर फोकस करना चाहिए था. एंड आई थिंक इवन राइट नाउ देर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हु कम एंड से कि यार इंटरनेशनल जा रहा हूँ. मेरा एडवाइस होता है just like stay in India, chill. क्यों? Because देखो every market is different, first of all. Every like country, the regulations, the people that you are going to work with, culture बदल जाएगा. जिस culture के आप के साथ आप India में काम कर रहे हो वो culture आपका Middle East, आपका Europe, आपका US में same नहीं होने वाला. Correct? So then
इट बिकम्स हार्डर टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ऐसे मल्टीपल कंट्रीज में जाते हो. कंप्लायंस, लीगल बिल्स, रेगुलेशंस, इज जस्ट कॉम्प्लेक्स. एंड लोग कहते हैं यार इंडिया का मार्केट साइज बड़ा नहीं है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ. मैं कहता हूँ वो आज नहीं है, 10 साल बाद बहुत ज़्यादा होगा. और मेरी तरह जैसे हमने सारे इंटरनेशनल मार्केट्स बंद किए, तुम भी करोगे. तो बिकॉज तुम कहोगे यार इंडिया मेरा 90% ऑफ द बिजनेस बना हुआ बैठा है, मैं 10% बिजनेस साइज के लिए मैं 50% टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ? बनता ही नहीं है. करेक्ट. तो वी शट डाउन इंटरनेशनल जब इंडिया वॉज हिटिंग 93% ऑफ अवर रेवेन्यू. पर एफर्ट कितनी जाती थी उस सारे. अगर किसी ने आज आपसे सब कुछ छीन लिया एंड लेफ्ट यू एट बेयर मिनिमम, फिर क्या करते? स्टार्ट अगेन. स्टार्ट Zomato अगेन? नो, स्टार्ट समथिंग न्यू अगेन. क्या समथिंग? आई डोंट नो. यू टेक टाइम ऑफ टू लर्न? हाउ वुड यू लर्न? वॉन्डर. ट्रैवल? नो, वॉन्डर मेंटली. अभी करते हो ऐसे मेंटल वॉन्डरिंग? कैसे? रीड. रीडिंग इज माय थिंग. क्या पढ़ते हो? रैंडम बुक्स अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक, सब कुछ करता हूँ मैं. बेसिकली आप ये कह रहे हो कि कुछ तो सीख लो, पता नहीं कब काम आएगा. जब तुम्हें चीज की जरूरत होती है तब यू डोंट नो कि यार इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए या मैं क्या सीखूं ताकि मैं सॉल्व कर लूं. ऐसा तो लाइफ इज नॉट दैट इजी. सो द मोर इन्फॉर्मेशन यू डाउनलोड इनटू योर ब्रेन यू आर एबल टू यूज इट समटाइम्स.